हे दोस्तों नमस्कार, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही दुख भरी न्यूज़ सुना रहा हूँ, जानकारी देने वाला हूँ। फ्रेंड, भारत की राजनीति में एक दोस्तों दुख की खबर है। भारत की राजनीति के एक शख्सियत दोस्तों, उनका देहांत हो गया है, निधन हो गया है दोस्तों। उनका नाम है दोस्तों सुषमा स्वराज जी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। आज हम पहले तो दोस्तों हम भगवान से ये दुआ करते हैं कि हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को दुख सहन करने की क्षमता दे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। फ्रेंड्स, सुषमा स्वराज जी का जो निधन है दिल्ली एम्स में हुआ है आज, और ये बीजेपी की नेता थी, आपको मालूम ही है दोस्तों। और ये भारत सरकार में, मोदी जी की गवर्नमेंट में विदेश मंत्री रह चुकी हैं। अभी तो एस जयशंकर जी हैं, लेकिन 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो दोस्तों ये विदेश मंत्री रही थी। और इनकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी इनकी किडनी, और काफ़ी समय से दोस्तों इनकी तबीयत ऐसी मतलब ख़राब चल रही थी। और इन्होंने फ्रेंड्स, ये काफ़ी पॉपुलर विदेश मंत्री रही हैं, इन्होंने बहुत लोगों को मतलब लाभ पहुंचाया था, बहुत लोगों को एक दूसरे से मिलवाया था। यानी कि जो लोग बिछड़ जाते थे, कोई कहीं फंस गया है, ये विदेश में फंस गया है, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा निकलवाया था वहाँ से, प्रॉब्लम में थे उनको। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूँ, इन्होंने कुलभूषण जाधव जी का, आपको मालूम ही होगा, उनका मामला इंटरनेशनल कोर्ट में हेग में उठाया था, कई बार उठाया था। और इनके जन्म के बारे में दोस्तों यदि बात करें तो इनका जन्म 14 फेब यानी कि 14 फरवरी 1952 को अम्बाला छावनी में हुआ था। तो दोस्तों सुषमा स्वराज जी का बीजेपी की नेता थी, लेकिन दोस्तों वो पूरे भारत की एक महान नेता थी। उनका जो जो है दोस्तों निधन हो चुका है, और ये दिल्ली में दोस्तों दिल्ली एम्स में इनका निधन हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।